15 तारीख को एडमिट हुई उसकी माँ यहाँ। कंडीशन वो क्या था, उनको क्या हुआ, दिक्कत क्या है? कोरोना पॉजिटिव, 12 जैसे हॉस्पिटल में आके एडमिट कराया जाए। 16 बच्ची को 5 बजे यहाँ से वो जाती है अपने घर, उसके बाद रात के 10 बजे उसे कोई मैसेज आता है 10 से 11 बजे अर्जेंट करके मैसेज आता है, क्योंकि उसको देखा नहीं था। तो वो जल्दी से आती है, तो फोन आता है मॉर्निंग में, तो वो जल्दी व्हाट्सएप पे आया। फिर वो फोन आईसीयू में एडमिट हुई, उसके बाद उसी दिन 16 पर जिस दिन वो यहाँ आती है, 17 को सुबह वो बच्ची पहुँचती है। 17 को सुबह यहाँ बताया जाता है कि माँ आपकी बहुत सीरियस है, क्रिटिकल कंडीशन पे है, उनको वेंटिलेटर पे डालना है। ये बच्ची अपनी माँ से जब बात करती है तो उसकी माँ बोलती है कि मेरे साथ छेड़खानी हुआ है, ये दो बंदे और एक आदमी और तीन आदमी, एक कोई बाहर का था, आई डोंट नो कौन था, लेकिन दो यहाँ के जो नर्स थे और मेल पर्सन और उन लोगों ने महिला के साथ छेड़खानी की। क्या कुछ बात हुआ, मैं वही बता रही हूँ। बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो मीडिया को फेस कुछ नहीं करना चाह रही है, क्योंकि उसे ये डर है कि पारस में एडमिट होने के बाद लोग वापस नहीं जाते। ये दिमाग में उस बच्ची के बैठा है कि अगर मैं मीडिया को फेस करके अगर FIR करती हूँ तो फिर ये चीज आगे उसकी माँ पे प्रॉब्लम होगी और उसको मार डाला जाएगी। आज वो अचानक से बच्ची लेने पर चली गई, जो मदर कह रही थी कि मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं ठीक हूँ, उसके हाथों को बांध के प्रोसेस अगर आपका है तो आप हाथों को बांधते हैं, ठीक है, लेकिन ये वो कैसी है, इतना भी कोई लेडी के अंदर इतना भी नजर को बोली कि मेरे साथ सही 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 बात है। बोलिए क्या लगता है आपका ये मुहिम जो आप लोग शर्मनाक है, ये काफी शर्मनाक है, इससे गंदी वारदात नहीं हो सकती है कि बच्ची को जला के रखा गया है अंदर, वो बच्ची स्टेटमेंट नहीं देगी अभी क्योंकि वो वेट कर रही है उसकी माँ जिंदा यहाँ पे चली जाए, वो कह रही है कि मेरी माँ स्टेटमेंट देगी। उसे इतना डर है कि आज पारस में एडमिट हो गया, तुरंत आईसीयू में गई, तुरंत फिर वेंटिलेटर पर उसकी माँ चली गई, और इतनी गंदी वारदात अगर कोई लेडी अपने बारे में बोल रही है, अगर कोई बच्ची बोल रही है, तो कोई भी औरत मुझे नहीं लगता है कि आगे आके बोलेगी कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है। अपनी इज्जत प्रतिष्ठा एक मदर को होती है, सही बात, एक औरत को होती है। आज स्थिति बिहार की इतनी बिगड़ चुकी है, शासन इतना बिगड़ चुका है, पेशेंट अगर है, पेशेंट अगर है, क्योंकि बच्ची डर रही है FIR करने से भी। प्रशासन से बात हुई आपकी? प्रशासन से बात अभी नहीं हुई है, क्योंकि FIR बच्ची जब तक नहीं करेगी तब तक हमारी प्रशासन से कार्रवाई नहीं करेगी। जांच की मांग करेंगे, बिल्कुल हम जांच की मांग करते हैं। और एक चीज और बता दूं मैं कि हाँ, उच्च स्तरीय मांग हो, और कहीं ना कहीं पारस की ऐसी जो हालात है कि डॉक्टर भी ढंग से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। ये पहले भी आरोप लगता रहा, ये आरोप मेरे सामने भी जो लोग वहाँ रह रहे थे, उस बच्ची को अनकॉन्शियस और क्या क्या कह के दबाया जा रहा है। सही सही है कि बच्ची अनकॉन्शियस है, इसको हटाया जाए, दिस इज नॉट अ सिस्टम। अगर वो माँ ठीक होकर यहाँ से नहीं जाती है तो मैं कहूँगी उस स्तरीय नहीं, पारस को ही देखा जाए कि पारस के अंदर कितने काले धंधे हो रहे हैं और क्या क्या चीजें हो रही है, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल बिहार का ये जांच का विषय बने कि ऐसी वारदात दूसरी महिला के साथ ना हो। वो बच्ची इतनी डरी हुई है कि वो स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है, इतना वो ये कह रही है कि मेरी माँ ठीक होकर जाएगी तो मैं स्टेटमेंट दूंगी, इसमें इसको पकड़ने की जरूरत है। बिहार सरकार को भी संज्ञान और प्रशासनिक कार्रवाई बहुत तेजी से, क्योंकि प्रशासन की ढिलाई के कारण ये सब वारदातें हो रही है। अगर प्रशासन आज आगे रहे और कार्य करे अपना, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की वारदात दोबारा होगी। प्रशासन शक्त हो।